आदिशक्ति जगत जननी माता दुर्गा की जय, जगदम्बा माता की जय हो। नवरात्रि के दिनों में अगर मिले आपको यह संकेत तो समझ जाना आपके घर माता दुर्गा पधार चुकी हैं, और साथ ही हम आप लोगों को नवरात्रि के पावन दिनों में दो लौंग से धन प्राप्ति के ऐसे चमत्कारी महा उपाय बताने वाले हैं जिसे करने मात्र से आपसे माता दुर्गा और माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएंगी। इतना धन बरसेगा कि खुशियों से भर जाएगा, आपका घर बन जाओगे आप करोड़पति। इसलिए वीडियो को मिस ना करें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप लोग यह उपाय करके नवरात्रि के शुभ दिनों में माता से अपनी मनोकामना पूर्ण करवा सकें। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं कि नवरात्रि में कौन से संकेत मिलने पर पता चलता है कि माता रानी हमारे घर पधार चुकी हैं और हमारे घर को खुशियों से भर देने वाली हैं। उसके पश्चात हम आप लोगों को उपाय भी बताएंगे जिससे आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां भर जाएंगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल में। दोस्तों, आज की यह वीडियो बहुत ही ज्यादा लाभप्रद होने वाली है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको शास्त्रों के अनुसार कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताएंगे जो कि यदि आपको इस नवरात्रि के 9 दिनों में किसी भी दिन मिल जाते हैं तो आपको समझ लेना चाहिए कि माता नवदुर्गा अपने गणों के साथ आपके घर पधार चुकी हैं। तो चलिए दोस्तों, संकेतों के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप भी इस नवरात्रि अपने जीवन में माता वैष्णव की कृपा अपने और अपने परिवारजनों पर पाना चाहते हैं तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिख दें। दोस्तों, हमारे हिंदू संस्कृति में कुल 4 नवरात्रों का वर्णन है जिसमें से कि 2 गुप्त नवरात्र होते हैं एवं 2 प्रत्यक्ष नवरात्र होते हैं। इन सभी नवरात्रों में सबसे बड़ा और श्रेष्ठ महत्व श नवरात्रि का होता है। नवरात्रि के इन 9 दिनों में हम अपने घर पर कलश की स्थापना करके माता रानी की पूजा आराधना करते हैं एवं उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में ऐसे 7 संकेतों का वर्णन हमें मिलता है जो कि माता रानी के आपके घर में होने के सबूत देते हैं। साथ ही नवरात्रि में यह 7 संकेत बताते हैं कि माँ दुर्गा आपसे बहुत प्रसन्न है और आपके घर में स्वयं आ चुकी है। यह 7 संकेत आप भी अपने घर में जरूर चेक करना। नवरात्रि में माँ दुर्गा चैतन्य होती है, इसलिए इन दिनों में की गई सच्ची भक्ति का परिणाम माता दुर्गा हमें तुरंत दिखा देती है। इसलिए नवरात्रि के इन सभी 9 दिनों में हमें सच्ची भक्ति से माता रानी की पूजा उपासना करनी चाहिए और साथ ही गलत कर्मों को करने से भी बचना चाहिए क्योंकि इस समय गलत कर्म करने से चैतन्य होने के कारण माता रानी हमें उस कर्म का बुरा परिणाम भी तत्काल दिखाती है, हमें दंडित भी करती है। नवरात्रि के पूरे 9 दिन हमें पूर्ण रूप से सात्विक विचार से रहना चाहिए। हमें 9 दिनों तक कपट छल ईर्ष्या और द्वेष का परित्याग कर देना चाहिए क्योंकि जिस व्यक्ति के विचार शुद्ध एवं आचरण पवित्र होते हैं माता दुर्गा उन्हीं के घर आती है। माँ दुर्गा जिस घर में आती है उस घर को तीर्थों से भी ज्यादा पवित्र एवं शुद्ध कर देती है। वहां रहने वाले सभी लोगों की बुद्धि भक्तिमय हो जाती है और घर एकदम शांत रहता है, आनंददायी लगने लगता है। तो आप भी अपने घर में चेक करना, ये अगर 7 में से कोई भी संकेत आपको मिलने लगे तो समझ जाना माता रानी आपके घर में आ चुकी है। तो आइए जानते हैं कुछ संकेत। संकेत को बताने से पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। यदि हमारे पास कोई उपाय होगा जिसे करके आप नवरात्रि के इन पावन दिनों में आदिशक्ति माता जगदम्बा की कृपा प्राप्त कर सकते हैं तो अब आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। दोस्तों, सर्वप्रथम मैं आप लोगों को नवरात्रि के दिनों में किए जाने वाले कुछ उपाय बताऊंगा जिन्हें करके आप अपने जीवन को पूरी तरीके से बदल सकते हैं, साथ ही साथ नवदुर्गा के 9 स्वरूप एवं उनकी महिमा से भी आपको अवगत करवाऊंगी क्योंकि शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि जो भी कोई नवरात्रि के दिनों में माता नवदुर्गा की महिमा एक बार भी सुन लेता है उसे अपने जीवन में फिर कभी भी पैसों को लेकर परेशान नहीं रहना पड़ता। दोस्तों, आज की यह वीडियो इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया तो सारी जिंदगी आपको पछताना पड़ सकता है। दोस्तों, भाग्यशाली व्यक्ति के घर में माता रानी आती है और यह संकेत देती है क्योंकि इस समय माता रानी हमारे घर में आ जाती है लेकिन कुछ गलतियों के कारण हम माता रानी को पहचान नहीं पाते। यही सबसे बड़ी हमारी मूर्खता है
तो वीडियो को ध्यान से देखना। माता रानी के जो 9 स्वरूप कहे गए हैं उनकी पूजा करने से हमें अलग अलग फल की प्राप्ति होती है। ये जानकारी सबसे पहले जानते हैं क्योंकि आप में से अधिकतर लोग वीडियो को देख रहे हैं वह नव दुर्गा माता की पूजा करते हैं, लेकिन उनके जो 9 स्वरूप है उनकी पूजा करने से कौन से फल की प्राप्ति होती है उनके बारे में उन्हें पता नहीं होता, तो सारी जानकारी विस्तार से बताऊंगा। अगर आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। ध्यान से देखना और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना। नवरात्रि के प्रथम दिन हम देवी मां शैलपुत्री की पूजा करते हैं। नवरात्रि में जो माता का प्रथम स्वरूप है वह है शैलपुत्री। तो शैलपुत्री किस लिए बोला जाता है? यह पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी, इसीलिए इनका नाम शैलपुत्री पड़ा है। वृषभ में माता जो शैलपुत्री स्थित रहती है, वृषभ इनका वाहन है। यह अपने हाथों में खड्ग, चक्र गदा, धनुष बाण, परीक्षा शूल, सुमकपाल और शंख को धारण करके संपूर्ण आभूषण से विभूषित होती है। नीलमणि के समान कांतियुक्त 10 भुजा माता के हैं। चरण वाली है इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प है देवी। शैलपुत्री शक्ति, दृढ़ता, आधार पर स्थिरता का प्रतीक है। माता की उपासना करने से जीवन में स्थिरता आती है। तो अगर आप भी माता शैलपुत्री को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपके जीवन में स्थिरता आएगी। माता शैलपुत्री का जो बीज मंत्र है वो है ओम संघ शैलपुत्री देवीय नमः नवरात्रि के द्वितीय दिवस। हम माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं। देवी ब्रह्मचारिणी की आराधना करने से कई प्रकार के मनोरथ की पूर्ति होती है। देवी ब्रह्मचारिणी इनका नाम क्यों पड़ा यह भी जान लेते हैं। तो भगवान शिव से विवाह करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध देवी माता पार्वती ने कठोर ब्रह्मचार्य का पालन किया। ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या और चारणी का, और नीचे वाले हाथ में कटार रखे हुए हैं। इनकी पूजा करने से सभी पापों से मुक्ति, दुश्मनों का नाश और तेज बढ़ता है। माँ अपने भक्तों के सभी प्रकार के कष्टों और भय से मुक्त करती है। माता का जो बीज मंत्र है ओम एम हलिम क्लिम चामुंडाय विचय, इस मंत्र का जाप करने से माता बहुत ही प्रसन्न होती है। या फिर ओम काली के नम इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के अष्टमी के दिन नवरात्रि के जो अष्टम स्वरूप कही गई है, माँ महागौरी माँ दुर्गा का जो अष्टमी स्वरूप है यह महागौरी है। हिमालय में तपस्या करते समय गौरी का शरीर धूल मिट्टी से ढककर मलिन हो गया था, जिसे शिव ने गंगा जल से शुद्ध करके गंदगी को बाहर निकाल मलिन शरीर को गौर वर्ण प्रदान किया, इसलिए माता का नाम गौरी पड़ा है, महागौरी पड़ा है। इनका स्वरूप जान लेते हैं और इनकी पूजा करने से क्या फल प्राप्त होता है, आइए जानते हैं। तो देवी माता का स्वरूप कुछ इस प्रकार से है। देवी महागौरी के वस्त्र एवं आभूषण जो है श्वेत कलर के हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं और वाहन वृषभ है। दाहिना हाथ अभय मुद्रा तथा दूसरे हाथ में त्रिशूल लिए हुए हैं। बाएं हाथ में डमरू और नीचे का बाएं हाथ वरमुद्युम मुद्रा में है। माँ की कृपा से अलौकिक सिद्धि की प्राप्ति होती है। देवी महागौरी भक्तों को जो भी उनके जीवन में चल रहे कष्ट है उनको तत्काल दूर करती है। जो देवी माँ का अष्टम स्वरूप महागौरी कहा गया है, ये सभी देवियों की तुलना में सबसे जल्दी प्रसन्न होती है। और अगर आप जल्दी प्रसन्न करना चाहते हैं देवी नवदुर्गा के स्वरूप में किसी भी देवी को, तो आप महागौरी की पूजा करना शुरू कर दीजिए। इनकी पूजा करने से यह तत्काल प्रसन्न होती है। दोस्तों, देवी का जो 9वां स्वरूप कहा गया है वह है सिद्धा माँ जी का जो 9वां स्वरूप है वह है सिद्धदात्री। यह सभी प्रकार की सिद्धि को देने वाली है। ममता मोह से वृत्त होकर के महर्षि मेधा के उद्देश्य से समाधि ने देवी की आराधना की थी और ज्ञान प्राप्त करके मुक्ति प्राप्त की थी, सिद्धि अर्थात मोक्ष को देने वाली। तो देवी माँ की पूजा पाठ करने से सभी प्रकार की सिद्ध की प्राप्ति होती है, सभी प्रकार की कामना की पूर्ति होती है। इसीलिए नवरात्र के 9 दिन इनकी पूजा करते हैं। इनका स्वरूप जान लेते हैं। माँ सिद्धदात्री की 4 भुजाएं हैं, वर्ण जो है रक्त वर्ण के हैं। वाहन इनका कमल पुष्प पर आसन है। एक हाथ में कमल, दूसरे हाथ में चक्र, तीसरे हाथ में गदा, चौथे हाथ में शंख है। देवी प्रसन्न मुद्रा में है। इनकी आराधना से साधक को अनिमाइज दूत श्रवण करने की सिद्धि आदि समस्त सिद्धि नवनिधि की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इनकी पूजा से असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं, इसलिए अधिकतर जितने भी जातक हैं, साधक हैं,
सिद्धि प्राप्त करने वाले जातक माँ सिद्धदात्री की पूजा करते हैं। और माँ कभी भी चाहे असुर हो या मानव हो, चाहे दानव हो, चाहे कोई भी हो, कितना भी उत्तम साधु क्यों ना हो, किसी पर यह भेदभाव नहीं करती, सभी को यह सिद्धि प्रदान करती है। इनका जो बीज मंत्र है ओम सिद्धिदात्री नमः, आप में से अधिकतर दर्शक हमें कमेंट करते हैं कि गुरुजी हमें की प्राप्ति करने के लिए क्या करना चाहिए। तो अगर आप सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो माँ सिद्धिदात्री की आराधना करना शुरू कर दीजिए, और जो बीज मंत्र बताया है इस बीज मंत्र का जितना ज्यादा हो सके जाप करें। इस बीज मंत्र का जाप करने से आपको अष्ट प्रकार की सिद्धि और नौ प्रकार की निधि की प्राप्ति होती है। दोस्तों आइए, दोस्तों अब हम जानते हैं नवरात्रि के वह सात संकेत जो बताते हैं माता रानी आपसे बेहद प्रसन्न है एवं आपके घर आ गई है। पहला संकेत है बार बार गौ माता का आना। जिस घर में माँ दुर्गा रहती है उस घर में उनकी बहन कामधेनु उनकी सेवा के लिए, उनके दर्शन के लिए बार बार घर के द्वार पर आती ही है, और यह घर के इर्द गिर्द घूमती रहती है, जाती है फिर अगले दिन आ जाती है। तो समझ जाना माता रानी आपके घर में आ चुकी है। दूसरा संकेत मधुमक्खी का घर में आना। जी हाँ दोस्तों, मधुमक्खी को माँ दुर्गा का स्वरूप कहा गया है। जिस घर में नवरात्रि में मधुमक्खी आती है तो समझ जाना उस घर में माता रानी आ चुकी है, क्योंकि जो मधुमक्खी है यह माँ दुर्गा का ही स्वरूप कही गई है, और यह अपने पूर्ण स्वरूप के दर्शन के लिए अर्थात नवदुर्गा के दर्शन के लिए सेविका बन करके आती है। तो समझ जाना आपके घर में माँ दुर्गा आ चुकी है। तीसरा संकेत ज्योति का तीव्र गति में जलना। जी हाँ, अगर आपने अपने घर में माता रानी की प्रसन्नता के लिए भक्ति प्राप्त करने के लिए ज्योति स्थापित करके रखी है, और अगर ज्योति की लौ अनक से तीव्र गति से जल रही है, या जो धूप अगरबत्ती आपने जलाई है उसने ओम की आकृति बनने लग जाए, तो समझ जाना ज्योति के समक्ष स्वयं माता रानी खड़ी है, और आपको भी अंतरात्मा से माता रानी के होने का एहसास होगा। तो इन संकेत से भी पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है। चौथा संकेत नवरात्रि में दीपक की बाती में फूल का बनना। अगर आपके दीपक की बत्ती में अचानक से फूल बनने लगे तो समझ जाना नवदुर्गा माता आपके ऊपर बहुत प्रसन्न है, आपके ऊपर पूर्ण रूप से अपनी कृपा बरसा रही है, और माता रानी आपके घर में आ चुकी है। आपके सभी कष्टों को दूर करके माता रानी इस लोक से फिर जाएंगी अर्थात आपके घर से जाएंगी। दोस्तों पांचवा संकेत बताते हैं बार बार घर में अगर काली चींटी निकलने लगे, अगर काली चींटी समूह में निकल रही है और रास्ता काट रही है, तो समझ जाना माता रानी आ चुकी है और आपकी सभी प्रकार की इच्छा को पूर्ण करके ही जाएंगी। यह माता लक्ष्मी के होने का एहसास कराता है। छठवां संकेत अचानक घर में मनमोहक सुगंध आने लगे। अब यह संकेत बहुत ही ज्यादा बड़ा संकेत है। दोस्तों अगर आपको अपने घर में अचानक से इत्र परफ्यूम मोगरे जैसी या कोई भी मनमोहक सुगंध आने लगे, तीव्र सुगंध आने लगे, ठंडी हवा चलने लगे, तो समझ जाना माता रानी आ चुकी है और अपने होने का एहसास आपको दे रही है। आप तुरंत इस संकेत को समझ करके माता जगदम्बा को मन ही मन प्रणाम करना। तो इन संकेतों से भी पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है। दोस्तों सातवां संकेत फटे कपड़े पहने अगर कोई याचक आ जाए तो समझ जाना माता रानी आपके द्वार पर याचक बनकर के आ चुकी है। नवरात्रि में कोई भी याचक आए तो खाली हाथ भूल कर भी मत जाने देना, क्योंकि स्वयं माता रानी परीक्षा लेने के लिए हमारे घर में याचक बन करके आ जाती है, क्योंकि ईश्वर अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए धरती पर स्वयं आते हैं। आप याचक को पेट भोजन कराना एवं कुछ दक्षिणा भी अवश्य देना वास बना लेती है और वहीं निवास करती है। बस नवरात्रि शुक्रवार के दिन इस चीज का त्याग करना चाहिए, पालन करना चाहिए। नवरात्रों में लहसुन प्याज और खट्टा, फिर चाहे आपने व्रत भी नहीं रखा है फिर भी आपको शुक्रवार के दिन या अन्य दिनों में लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, लेकिन हाँ पानी पूरी आप खा सकते हैं, वह भी जब नवरात्रि समाप्त हो जाए। दोस्तों नवरात्रि के दिन सेब जरूर खाना चाहिए। शास्त्रों में बताया जाता है कि भगवान के भोग में सेब आदि जरूर किया जाता है। अगर आपका व्रत है तो आपको सेब जरूर खाना चाहिए, केला पपीता तरबूज और मीठे अंगूर जरूर खाना चाहिए। इन फलों से व्रतधारी को शक्ति मिलती है और व्रत संपूर्ण हो जाता है। शास्त्रों में बताया जाता है कि नवरात्रों के दिनों में सीता फल जरूर खाना चाहिए।
सीताफल खाने से 20 ऐसी बीमारियां हैं जो खत्म हो जाती हैं, माना जाता है। नवरात्रों के दिनों में सीताफल का घर में प्रवेश होना ही शुभ माना गया है। सीताफल खाने से नवरात्रि का व्रत सफल हो जाता है, क्योंकि इसमें माता सीता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। माना जाता है भगवान राम के वनवास के द्वार में माता सीता ने यही फल खाया था। नवरात्रि के दौरान इसे जो भी खाता है उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। सीता फल आपको जरूर खाना चाहिए। माता सीता प्रसन्न होती हैं और आशीर्वाद देती हैं। दोस्तों, नवरात्रों में तेल की तली हुई हरी मिर्च खा सकते हैं, लेकिन कम मात्रा में खाना है। व्रत के दौरान ज्यादा तीखा नहीं खाना चाहिए। व्रत में तीखा खाने से व्रतधारी की जो पेट की आंतें होती हैं उसमें जख्म हो सकते हैं, क्योंकि इस दौरान हम व्रत का पालन करते हैं तो हमारे पेट में कुछ नहीं होता। इसीलिए हल्का खाना खाना सर्वप्रिय और उत्तम माना जाता है। व्रतधारी को रसीले आलू अवश्य खाना चाहिए। इससे हमारे शरीर में ऊर्जा की भरपूर जरूरत जो होती है पूरी हो जाती है। आप आलू का पानी पी सकते हैं। रसीले आलू जरूर खाना चाहिए दोस्तों। नवरात्रों में भिंडी की सब्जी जरूर खाना चाहिए। भिंडी में कई ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं, तथा नवरात्रों में बैंगन की सब्जी जरूर खाना चाहिए। लेकिन याद रहे, जब नवरात्रों में सोमवार पड़ जाए तो बैंगन की सब्जी मत खाना, पाप लगेगा। नवरात्रों में सब्जी में हरा धनिया जरूर डालना चाहिए। हरे धनिए से भी व्रतधारी को पोषक तत्व मिलते हैं। नवरात्रों में हरा धनिया अवश्य खाए। इससे जो शुगर लेवल होगा वह कम हो जाएगा। नवरात्रों में रिफाइंड का तेल और सरसों का तेल भूलकर भी व्रत के दौरान नहीं खाना चाहिए। मूंगफली का तेल और देसी घी और गोले का तेल खाना अच्छा माना जाता है दोस्तों। नवरात्र में व्रतधारी को डब्बा बंद लस्सी, डब्बा बंद जूस नहीं पीना चाहिए। उसमें कई केमिकल मिले होते हैं जिसके कारण आपका व्रत टूट सकता है। जब भी आप फलों का जूस पिए तो याद रखें उसमें नमक ना डालें, नहीं तो व्रत टूट जाएगा। साथ ही साथ जूस में बर्फ भी नहीं डालना चाहिए। फलों का सादा जूस पीने से व्रत सफल होता है दोस्तों। नवरात्रि के दौरान सिंघाड़े का आटा या कुटू का आटा खाने से पहले यह देख ले कि आटा पुराना नहीं होना चाहिए, क्योंकि पुराने आटे में कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं जिसके कारण आपका व्रत टूट सकता है, क्योंकि यह छोटे छोटे कीड़े हमें दिखाई नहीं देते और आपके मुंह तक पहुंच जाते हैं। ऐसा आटा खाना मतलब कीड़े मकोड़ों का मांस खाने के बराबर माना गया है। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान आप शाम के समय खाने में दही ले सकते हैं, आलू वगैरह खा सकते हैं, आलू के चिप्स बिना मिर्च मसाले के आप खा सकते हैं, साबूदाने की टिकिया बनाकर भी खाई जा सकती है, साबूदाने की खिचड़ी खा सकते हैं, आलू के पापड़ भी खा सकते हैं। कई सब्जियां तो ऐसी है जो नवरात्रि के दौरान भोजन में शामिल कर सकते हैं। इससे आपको एनर्जी मिलेगी और व्रत सफल हो जाए। नवरात्रि के दौरान आप दूध पी सकते हैं जो आपको ताकत देगा। चाय वगैरह भी पी सकते हैं, लेकिन याद रहे उसमें नमक ना डालें। चाय में नमक डालने से व्रत भी टूट जाएगा और हड्डियां भी कमजोर होने लगती हैं। एक बात का ध्यान रहे, व्रतधारी को पेट भर खाना यानी गले तक भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं तो व्रत रखने का कोई भी पुण्य फल प्राप्त नहीं होता। व्रत में भोजन आप थोड़ा थोड़ा खा सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन आदिशक्ति माँ दुर्गा को समर्पित होते हैं। नवरात्रि के 9 दिन माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों का पूजन किया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों तक माता रानी को अलग अलग स्वरूप के हिसाब से अलग अलग पुष्प, अलग अलग भोग अर्पित किए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें नवरात्रि के दौरान भूलकर भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए? अगर इन वस्तुओं को आप गलती से भी माता रानी को अर्पित कर देते हैं तो आपको व्रत और पूजन का पूर्ण लाभ नहीं होगा। इसीलिए माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको यह जानना अति आवश्यक है कि वह कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो माता रानी के पूजन में भूल कर भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो आइए माँ का जयकारा लगाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, नंबर 1, नवरात्रि के दौरान शादीशुदा महिलाओं को सफेद कपड़े पहनकर पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ काले कपड़े भी नहीं पहनना चाहिए। इससे पूजा व्रत आदि खंडित हो जाते हैं। माता की चौकी जब आप लगाएं तो उसके नीचे कागज नहीं लगाना चाहिए। माता की चौकी हमेशा लाल रंग का कपड़ा बिछाकर ही लगानी चाहिए। हमेशा याद रहे,
नवरात्रों के इन 9 दिनों तक व्रति अपना आसन मां की चौकी के आगे ही लगाना चाहिए और वहीं पर आपको सोना चाहिए। मंदिर को नवरात्रों के दौरान अकेला नहीं छोड़ा जाता, बहुत ही अशुभ माना जाता है। जरा आप ही सोचिए, माता रानी 9 दिनों के लिए धरती पर आकर के घर में रहने के लिए आई है और ऐसे में आप उन्हें अकेला अगर छोड़ते हैं तो माता रानी को कैसा लगेगा? वह कहेंगी, इसको मेरी जरूरत नहीं है, ये मेरा अनादर कर रहा है। इसीलिए आप कोशिश करना कि आप रात्रि में माता के पास में ही सोना। पर यदि आपके घर का मंदिर बहुत छोटा है और यदि आप उसमें सोने में असमर्थ हैं तो आप एक दीपक माता रानी के निमित्त प्रज्वलित कर दें। दोस्तों, नंबर 2, हिंदू धर्म में नारियल को समृद्धि, धन, श्रद्धा और सम्मान का सूचक माना जाता है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। नारियल को सुख समृद्धि में वृद्धि करने वाला माना जाता है। नारियल का हर मांगलिक कार्य में विशेष महत्व होता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि माता रानी के कई मंदिरों में नारियल से बलि भी दी जाती है और माता रानी के पूजन में नारियल का इस्तेमाल हम सभी करते हैं। खासकर कलश की स्थापना नारियल रख कर ही की जाती है। माता रानी के पूजन में हम नारियल इस्तेमाल करते समय कुछ गलतियां कर बैठते हैं। दोस्तों, नारियल कई प्रकार के होते हैं, एक हरा, दूसरा सूखा, जिसके अंदर पानी होता है। जिस नारियल के अंदर पानी होता है, माता रानी के पूजन में सदैव पानी वाला और जटा वाला नारियल ही इस्तेमाल करें। नारियल पूर्ण होना चाहिए, नारियल चटका हुआ या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि साबुत नारियल ही पूर्ण और पवित्रता का प्रतीक होता है। साबुत नारियल ही सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। साबुत नारियल को ही श्रीफल या कि माँ लक्ष्मी का फल कहा जाता है। नवरात्रि में माता रानी के कलश की स्थापना करते समय जटा वाला यानी पानी वाला नारियल ही कलश पर स्थापित करना चाहिए। साथ ही यह ध्यान रखना चाहिए कि नारियल को सदैव कलश के ऊपर लेटा कर रखना चाहिए। घट स्थापना करते समय कभी भी नारियल को खड़ा करके नहीं रखा जाता, नारियल को सदैव लिटा कर कलश के ऊपर रखा जाता है। साथ ही नारियल को स्थापित करने से पहले आप नारियल को लाल कपड़े में मौली धागे से लपेटकर, कलावे से लपेटकर उस पर और फिर लाल चुनरी उड़ाकर आपको कलश के ऊपर स्थापित करें। शास्त्रों के अनुसार कलश के ऊपर जब सही तरीके से नारियल रखा जाता है और सही प्रकार का नारियल रखा जाता है, तभी ही व्रत और पूजन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। यह भी ध्यान रहे कि महिलाएं माता रानी को नारियल अर्पित तो कर सकती हैं, लेकिन कभी भी माता रानी के सामने उनके मंदिर में नारियल को ना तोड़े, क्योंकि नारियल बीज रूप होता है और स्त्रियां बीज रूप से ही शिशु को जन्म देती हैं। इसीलिए कभी भी महिलाओं को नारियल नहीं तोड़ना चाहिए। यदि आपको नारियल माता रानी को अर्पित करना ही है तो इसके लिए आप अपने घर के किसी पुरुष सदस्य से मदद मांग सकते हैं, ठीक है ना? तो इस विशेष चीज का ध्यान जरूर रखें दोस्तों। नंबर 3, लंगलंग। हम सभी माता रानी के पूजन में इस्तेमाल करते हैं क्योंकि यह साक्षात जगदम्बा का प्रतिरूप होता है, लेकिन लौंग का इस्तेमाल करते समय एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि माता रानी को सदैव फूल वाली लौंग ही अर्पित करना चाहिए। जिस लौंग के ऊपर फूल नहीं होता या फिर जिस लौंग के पीछे लकड़ी की डंडी नहीं होती, उसको आप माता रानी के पूजन में भूलकर भी इस्तेमाल ना करें। फूल वाले लंगों को ही पूर्ण माना जाता है और माता रानी की पूजन में उन्हीं का इस्तेमाल होता है। हम माता रानी के पूजा में कोई भी अपूर्ण वस्तु, कोई भी खराब वस्तु या टूटे हुए अक्षत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसीलिए सदैव माता रानी के पूजन में फूल वाली लौंग का ही इस्तेमाल करें। दोस्तों, नंबर 4, तुलसी के पत्ते अर्पित नहीं करने चाहिए। मां दुर्गा के पूजन में, उनके प्रसाद में आपको कभी भी तुलसी पत्र का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा करना वर्जित माना जाता है। तुलसी पत्र के अलावा आंवला भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए और दुर्बा भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए। दुर्बा भगवान श्री गणेश को अति प्रिय है। नवरात्रि में आप भगवान गणेश को दुर्बा अर्पित कर सकते हैं। भगवान विष्णु जी को तुलसी के पत्ते अवश्य अर्पित कर सकते हैं, लेकिन माता रानी को भूल कर भी तुलसी के पत्ते या दुर्बा अर्पित ना करें, ना ही माता लक्ष्मी की पूजा में उन्हें तुलसी अर्पित करें, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जब माता तुलसी का भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप में विवाह हुआ था, तब माता तुलसी माँ लक्ष्मी की सौत बन गई थी, जिस वजह से माता लक्ष्मी के पूजा में तुलसी वर्जित है।
इसी के साथ दोस्तों, माता रानी को सफेद फूल भी अर्पित ना करें। माता रानी को सदैव लाल रंग के फूल अर्पित करने चाहिए। लाल रंग के फूल माता रानी को अति प्रिय है। खासकर माता को गुड़हल और कमल के फूल अति प्रिय है। शास्त्रों में बताया जाता है कि घर में माता रानी की दो या तीन मूर्तियां या फोटो नहीं होने चाहिए। इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें कि माता रानी के पूजन में कोई भी खंडित चीज इस्तेमाल ना करें, जैसे कि चटका हुआ या टूटा हुआ दीपक या फिर चटका हुआ कोई बर्तन। साथ ही यह भी ध्यान रहे कि लोहे की और प्लास्टिक के बर्तन आप माता रानी के पूजन में इस्तेमाल ना करें, क्योंकि प्लास्टिक के चाइनीज बर्तन हड्डियों के पाउडर से मिलकर बनते हैं। ऐसा ना करें। ऐसे बर्तनों को माता रानी के पूजन से सदैव दूर रखें। माता रानी को जो पुष्प अर्पित कर रहे हैं, उस सघे नहीं सूंघ हुए फूल या गिरे हुए फूल या फिर मुरझाए हुए फूल माता को अर्पित ना करें। ऐसा करने से दोष लगता है। इसी के साथ कई लोग अगरबत्ती और कपूर को दुकान से खरीदते समय उन्हें सूंघ हैं। आपको ऐसा भूलकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे वह सामान झूठा हो जाता है और हम कभी भी पूजा पाठ में झूठी चीजों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। नवरात्रि के यह 9 दिन माता दुर्गा के सभी 9 रूपों की पूजा आराधना के लिए मानी जाती है। वहीं शारदीय नवरात्रि के दिनों में तुलसी पूजन का भी विशेष विधान है। पंचांग के अनुसार इस साल शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर 2024 को 12:01 पर शुरू होगी। वहीं इसका समापन 4 अक्टूबर को होगा। 2024 को रात्रि 2:58 पर होगा। पंचांग के आधार पर शारदीय नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि गुरुवार 3 अक्टूबर को मनाई जाएगी। शारदीय नवरात्रि के प्रतिपदा तिथि पर माता लक्ष्मी की पूजा करने से और गंगा स्नान दान पुण्य एवं तुलसी माता की मिट्टी से जुड़े इस एक उपाय को करने से साधक को शुभ फल की प्राप्ति होती है। वहीं धन की प्राप्ति के लिए शारदीय नवरात्रि के प्रतिपदा तिथि के दिन कुछ विशेष उपाय किए जाते हैं, जिनके बारे में हम आपको आज की इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, 3 अक्टूबर गुरुवार के दिन यहां पर करीब 500 वर्षों के बाद अत्यंत दिव्य एवं दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन सभी 4 नवरात्रि में से सबसे बड़ी नवरात्रि शारदीय नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि पढ़ने जा रही है। दोस्तों, यह तिथि इस बार गुरुवार के दिन पड़ रही है, जिस वजह से इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा होता है। जिस वजह से इस दिन 4 बड़े योगों का निर्माण होने जा रहा है, जो कि है सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, धन लक्ष्मी योग और नारायण योग। और दोस्तों, इन 4 योगों के निर्माण की वजह से नवरात्रि के प्रथम दिन पर भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की असीम कृपा बरसने वाली है। और अगर इस दिन अगर आप चुपचाप किसी को बिना बताए तुलसी माता का यह वाला उपाय कर लेते हैं, तो आपके जीवन में चल रही सभी समस्याओं का हल संपूर्ण रूप से हो जाएगा। दोस्तों, वैसे तो एक साल में 2 प्रत्यक्ष नवरात्रि और 2 गुप्त नवरात्रि पड़ते हैं, पर 3 अक्टूबर 2024 को पड़ने वाली शारदी नवरात्र की प्रतिपदा तिथि सभी नवरात्रों में सबसे बड़ी मानी जाती है। आज के दिन विभिन्न प्रकार के शुभ मंगल योगों का निर्माण होने जा रहा है, जिसमें सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, धन लक्ष्मी योग और नारायण योग शामिल है। शास्त्रों के अनुसार अमृत सिद्ध योग में धन लाभ होने से कई गुना फायदा मिलता है। मान्यता है कि इस किए गए शुभ कार्यों से जीवन में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि तुल के पेड़ में कई देवी देवताओं का निवास होता है। किसी विशेष दिन पर, जैसे कि नवरात्रि के दिनों में, तुलसी माता की अगर पूजा उपासना की जाए तो व्यक्ति के सभी आर्थिक, मानसिक और घरेलू समस्याओं का निदान तत्काल रूप से हो जाता है। नवरात्रि के प्रथम दिन भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान विघ्नहर्ता श्री गणेश की महाराज के साथ महादेव की भी पूजा की जाती है, क्योंकि इस दिन की गई पूजा आराधना से हमें कई गुना फल मिलता है। इसलिए इस दिन तुल्य माता से जुड़ा यह अचूक उपाय आपकी हर परेशानी को हल कर देगा, चाहे वह धन को लेकर हो या सेहत या संतान की प्राप्ति को लेकर हो। इसीलिए इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक देखें, ताकि इस उपाय को करने के बाद आपका भाग्य प्रबल हो जाए, आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर दे, आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे। और अगर आप चाहते हैं
कि माता रानी जी की कृपा से आपके जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाए और माता रानी की कृपा हमेशा आप पर बना रहे। तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय माता दी, जय माता लक्ष्मी। और इस वीडियो को आप जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं उतने लोगों तक पहुंचा दीजिए ताकि लोगों का भला हो सके। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय हो होगा जिसे करके आप इस नवरात्रि के दिनों में लाभ पा सकते हैं, तो वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिए। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, मान्यता है कि नवरात्रि के दिनों में उपवास रखने और पूजा पाठ करने से घर में सुख समृद्धि का वास बना रहता है। शारदीय नवरात्रि का व्रत रखने से मनुष्य को हर तरह के पाप कर्म से मुक्ति मिल जाती है। मान्यता है कि इस दिन पूजा व्रत दान आदि धार्मिक कार्य करने वालों पर माता दुर्गा जी के साथ साथ लक्ष्मी नारायण जी की भी विशेष कृपा बरसेगी। इसीलिए दोस्तों, आप लोगों को भी इस नवरात्रि के प्रथम दिन तुलसी मैया की मिट्टी से जुड़ा यह विशेष उपाय जरूर कर लेना चाहिए जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, तुलसी एक ऐसा पौधा है जिसकी पूजा से बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही शीघ्र लाभ प्राप्त हो होता है। भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि संसार के लगभग अधिकांश देशों में तुलसी को पवित्रता की दृष्टि से देखा जाता है। अनेक औषधीय गुणों से भरपूर तुलसी का धार्मिक महत्व भी है। अनेक धार्मिक अनुष्ठानों और तांत्रिक प्रयोग में इसका उपयोग होता है। पुराणों में तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी होने का गौरव मिला है। इसी कारण तुलसी जगत जननी भी है। परमात्मा के अनेक दुर्लभ वरदान में बरगद तुलसी को अमृत का प्रतिरूप भी कहा गया है। जहां तुलसी का पौधा लगा होता है वहां ब्रह्मा विष्णु महेश यानी त्रिदेव का निवास होता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं नवरात्रि के शुभ दिनों में दो लोग से धन प्राप्ति का महा उपाय के बारे में, जिसे करने से माता दुर्गा और माता लक्ष्मी अत्यधिक प्रसन्न होने वाले हैं और आपके घर में धान की वर्षा करने वाली है। तो दोस्तों, नवरात्रि में दो लौंग का उपाय इस तरह से कर लेना, हर काम तुरंत बनेगा और करोड़पति बनोगे। राधे राधे। दोस्तों, साल 2024 में शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और 11 अक्टूबर को अष्टमी और नवमी का त्यौहार एक साथ मनाया जाएगा साल 2024 में। और आपको नवरात्रि से पहले पहले किसी भी दिन दो लौंग अपने घर में इस तरह से जला देना है। यह छोटा सा उपाय नवरात्रि में किसी भी दिन कर लीजिए और फिर देखिए आपके घर में, आपके जीवन में कैसे धन की वर्षा होती है। तो दो लौंग घर में इस तरह जलाने से कभी भी ऐसे घर में नजर नहीं लगती है, कोई वास्तु दोष उत्पन्न नहीं होता है। और अगर घर में कोई वास्तु दोष है जिसकी वजह से घर में पैसा नहीं आ रहा है तो ऐसा समझ लीजिए घर का सारा वास्तु दोष भी दूर होता है। और सबसे बड़ी बात, आपकी जो भी मनोकामना होती है बहुत जल्दी आपकी मनोकामना भी पूरी होती है। जिस घर में पैसा नहीं रुकता है, जहां धन की बर्बादी होती है, वो लोग तो इस उपाय को शेष कर करें, क्योंकि घर में जब कोई वास्तु दोष हो, नजर दोष हो या फिर किसी ने कुछ करा दिया है तो ऐसे घर में ना तो पैसा आएगा और ना ही पैसा रुकेगा। बहुत ज्यादा नेगेटिव ऊर्जा अगर घर में है तब भी यह उपाय आप करें, क्योंकि यह उपाय है बहुत चमत्कारी। तो देखिए, जो नवरात्रि के 9 दिन होते हैं, 9 के 9 दिन बहुत ही पवित्र और पावन होते हैं। और ये 9 के 9 दिन जो होते हैं ये माँ दुर्गा को समर्पित होते हैं। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा हम नवरात्रि के 9 दिन में करते हैं। इसीलिए यह उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं, क्योंकि नवरात्रि में पड़ने वाला एक एक दिन बहुत बड़ा होता है। अब देखिए, नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा जो है यह धरती पर आती हैं, अपने भक्तों की मनोकामना को पूरा करती हैं। माँ लक्ष्मी भी माता रानी के साथ हमारे घर में आती है और धन की वर्षा हमारे घर में होती है। जब हम इस उपाय को करते हैं तो चलिए बात कर लेते हैं कि उपाय को किस तरह से आपको करना है और कितनी चीज़ें आपको यहाँ पर ले हैं। देखिए, 2 फूल वाली लौंग लेनी है, एक भी लौंग खंडित ना हो, टूटी हुई ना हो। साथ ही साथ आपको एक कपूर का छोटा सा टुकड़ा लेना है, यानी कपूर की एक टकी आपको लेनी है। अब आपको क्या करना है कि जो कपूर आपने लिया है किसी मिट्टी के दीपक में रख लें या कोई पीतल का बर्तन अगर आपके पास है उसके अंदर कपूर रख लें
और उसी कपूर के ऊपर आपको यह दो लौंग रखनी है। अब लौंग आपको कपूर के ऊपर रखने के बाद उस कपूर को जला देना है और इस जलती हुई लौंग और कपूर को आपको अपने घर में सभी जगह लेकर जाना है। अब देखिए, आपके घर में एक कमरा है, दो कमरे हैं, तीन कमरे हैं, जितने भी कमरे हैं, जितने भी रूम्स हैं, घर का जो आंगन है, घर की जो बालकनी है, घर का जो मुख्य द्वार है, ठीक है ना, सभी जगह पर इस जलती हुई लौंग का धुआं आपको दिखाना है। अब देखिए, लौंग जो कि माँ दुर्गा की सबसे प्रिय है, मतलब माँ दुर्गा को सबसे प्रिय लौंग होती है और लौंग के बिना उनकी पूजा भी अधूरी होती है। लौंग आपके घर में बहुत तेजी से सुख समृद्धि को लेकर आएगी। जैसे ही लौंग का धुआं अपने घर में आप दिखाएंगे, इस तरह से लौंग को अपने घर में जलाएंगे, नवरात्रि में कितनी भी नेगेटिव ऊर्जा आपके घर में हो, कितनी भी नजर दोष घर को लगी हो, कोई भी शत्रु आपका हो, ऐसा समझ लीजिए हर समस्या का हल लौंग में मिल जाएगा। क्योंकि लौंग जो होती है यह शिव और शक्ति का स्वरूप होती है, अंग जो होती है। इसका उपाय जब भी आप करते हैं यह आपके जीवन में अचानक से धन को देती है, आपके घर के बड़े बड़े संकटों को दूर कर देती है और नवरात्रि में तो लौंग का महत्व बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसा समझ लीजिए कि नवरात्रि में लौंग के उपाय आपके भाग्य को बहुत तेजी से चमकाने का काम करते हैं, इसीलिए नवरात्रि में यह एक उपाय जरूर करें। देखिए, घर के मंदिर में तो लौंग हम जलाते ही हैं, माँ दुर्गा के सामने हम जलाते हैं, है ना, बहुत से उपाय लौंग से करते हैं। लेकिन जब भी आप अपने घर में लौंग जलाकर कपूर के साथ पूरे घर में इसका धुआं दिखा देते हैं, ना पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है और फिर होता है आपके घर में धन की देवी माता लक्ष्मी का वास। क्योंकि जिस घर में सकारात्मक ऊर्जा ज्यादा से ज्यादा होती है उस घर में देवी देवताओं का वास होता है, वहां धन की देवी माँ लक्ष्मी वास करती हैं। तो ऐसा उपाय है कि इतना आशीर्वाद, इतनी कृपा माँ दुर्गा से आपको मिल जाएगी, ना कभी आपके घर में कोई संकट नहीं आने देंगी। वह माँ है, आपकी जो भी मनोकामना होगी ना आपके बिना कहे ही उसे पूरा कर देंगी। तो जरूर से नवरात्रि में ये उपाय करिए और फिर इसका चमत्कार अपने जीवन में आप खुद देखिए, कैसे कैसे चमत्कार जीवन में होते हैं और कहां कहां से आपके पास धन आता है, धन सुख समृद्धि से घर भरता चला जाएगा। बस नवरात्रि में इस तरह से लौंग और कपूर को जलाना। चलिए बात कर लेते हैं अब दूसरे उपाय की, जो अचानक से धन में वृद्धि कर आएगा और धन से आपका घर भरता चला जाएगा। तो जिन लोगों को बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, अधिक से अधिक पैसा चाहिए, इतना पैसा चाहिए कि आने वाली पीढ़ियां भी धन में खेले होता है ना, कभी कभी किसी व्यक्ति के पास इतना धन आ जाता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी वो धन कम नहीं पड़ता है। तो आपने बहुत सारे लोगों को जीवन में देखा भी होगा जो इतना धन अपने जीवन में प्राप्त कर लेते हैं, इतना कामयाब जीवन में हो जाते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी भी धन में खेलती है, धन उनके पास आता रहता है, मतलब एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, जैसे जैसे बढ़ती है धन में भी वृद्धि होती चली जाती है। अब हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास धन हो, जिसके पास नहीं है उसे तो धन चाहिए ही, और जिसके पास है उसे और अधिक धन चाहिए। तो हर व्यक्ति चाहता है कि माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती रहे और घर में पैसा धन बढ़ता रहे। अब आपको करना क्या है, आपको हरी इलायची के कुछ दाने लेने हैं। हरी इलायची जो कि माँ लक्ष्मी को सबसे ज्यादा प्रिय होती है, हरी इलायची आपके शुक्र को भी मजबूत करती है। आपको क्या करना है, हरी इलायची के थोड़े से दाने लेने हैं और इन्हें पीस कर इसका पाउडर बना लेना है, ठीक है ना। अब हरी इलायची का जो पाउडर आपने बनाया है आपको अपने नहाने वाले जल में, यानी जिस जल से आप स्नान करते हैं, जिस पानी से आप नहाते हैं, उस पानी में आपको यह पाउडर डालना है नवरात्रि के दिनों में और फिर इस जल से आपको स्नान करना है। अब देखिए, ये हरी इलायची का जो पानी है ना जिससे आप स्नान कर रहे हैं, यह आपकी कुंडली में शुक्र को बहुत मजबूत कर देगा, और शुक्र ही वह ग्रह है आपकी कुंडली में जो आपको धन देने का काम करता है, आपके जीवन में धन लाने का काम करता है। तो कोशिश करें कि हरी इलायची वाले जल से आप नवरात्रि के दिनों में स्नान जरूर करें और फिर देखें आपके पास कैसे पैसा आता है और कैसे पैसा बढ़ता है। आना एक अलग चीज है लेकिन धन में वृद्धि होना यह बहुत उत्तम होता है, क्योंकि जिनके पास पैसा आकर बढ़ता है ना, उनका पैसा उनके धन में वृद्धि तेजी से होती चली जाती है और फिर उनकी पीढ़ियां भी धन में खेलती हैं। तो नवरात्रि के दिनों में किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं।
कितनी बार भी कर सकते हैं। 9 के 9 दिन कर लें या नवरात्रि में जितने दिन बचे हैं उतने दिन कर लें। ज्यादा दिन ना कर पाए तो अष्टमी को कर लें, नवमी को कर लें, लेकिन चूके ना इस उपाय को जरूर करें। अगर जीवन में अधिक से अधिक धन चाहिए, मां लक्ष्मी की कृपा चाहिए, तो चलिए बात कर लेते हैं अब अपने तीसरे उपाय की। और यह तीसरा उपाय आपके घर से बुरी शक्ति को बाहर कर देगा। नजर घर को लगी है, उसे बाहर कर देगा। और सबसे बड़ी बात, आपके घर में कोई बुरी शक्ति घुस नहीं सकती। कोई नजर दोस्त घर को नहीं लग सकती, आपके पैसे को नहीं लग सकती, आपको नहीं लग सकती। नजर दोस्त के बारे में जिन लोगों को पता है, जो जानते हैं कि नजर दोष क्या करती है, जब किसी को नजर लग जाती है ना, अच्छा खासा इंसान भी बीमार हो जाता है। और अगर किसी के पैसे को नजर लग जाती है, अच्छा खासा घर बर्बाद हो जाता है। ये कटु है लेकिन सत्य है, नजर दोष होती है। और जब लगती है तो कुछ इस तरह से लगती है कि पूरा का पूरा घर बर्बाद हो जाता है। अब आपको करना क्या है? नजर दोष को दूर करने के लिए हल्दी का छोटा सा उपाय नवरात्रि में करना है। इतना चमत्कारी, इतना सकारात्मक ये उपाय है, कर लीजिए और अपने भाग्य को चमका लीजिए। करना क्या है? आपको हल्दी का पाउडर लेना है, यानी पीसी हुई हल्दी लेनी है। अगर साबुत हल्दी है आपके पास, गांठ वाली हल्दी है, तो पीसकर पाउडर बना लें। थोड़ा सा शुद्ध जल डालेंगे और पतला पतला इसका पेस्ट बना लेंगे, पतला पतला घोल बना लेंगे हल्दी का। एक तरह से हल्दी का पानी आपको तैयार करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, ठीक है ना? थोड़ा गाढ़ा होना चाहिए। अब इसी हल्दी के घोल से आपको अपने घर की जितनी भी दीवारें हैं सब पर लाइंस बनानी है, ठीक है ना? जितनी भी दीवारें आपके घर की, सब पर हल्दी की लाइंस बनानी है। एक बाउंड्री टाइप आपको बनानी है, एक रेखा टाइप की आपको खींचनी है। जितनी भी दीवारें हैं, सारी दीवारों पर तो चार दिशा होती हैं, पूरा पू, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों दिशाओं में आपको हल्दी की रेखा खींच देनी है। इस उपाय को कर लीजिए और फिर देखिए आपके घर में, आपके जीवन में, आपकी तिजोरी में कैसे पैसा आता है और कैसे बुरी शक्तियां घर से दूर होती हैं। जरूर नवरात्रि में यह उपाय करें, बहुत उत्तम है। हल्दी सुख सौभाग्य को ख खींचती है, हल्दी धन को बढ़ाने का काम करती है, हल्दी श्री हरि विष्णु से जुड़ी है, तो अधिक से अधिक पैसा भी आपको जीवन में मिलता है। अच्छा, नवरात्रि के जितने भी उपाय आपको बताए हैं, कोई भी उपाय जिसमें कुछ नहीं समझ आया हो, आपको कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको जल्दी से जल्दी करेंगे। वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, और जयकारा लगाना बिल्कुल ना भूलें। तो जय माता दी कमेंट सेक्शन में लिख दें, जिससे कि माँ आपकी सारी मनोकामना को पूरा कर दें। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो माता रानी की। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।